हे गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट वर्ल्ड। मेरा नाम है मंजीत और हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही फेमस और मेरी फेवरेट डॉग ब्रीड के बारे में, जो है जर्मन शेफर्ड। सो गाइस, ये जो जर्मन शेफर्ड है ये एक फीमेल है और लॉन्ग कोट में है। क्वालिटी आप लोगों के सामने है जो कि काफी अच्छी है। फीमेल एकदम प्योर क्वालिटी की है। आप लोग इसके हेयर भी देख सकते हो, इसके ईयर्स के पास कितने ज्यादा हेयर है। और गाइज, अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों को इसके मदर फादर की फोटोज नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि ओनर ने इसको अभी रिसेंटली परचेज किया था, बट किसी प्रॉब्लम की वजह से इसे सेल करना पड़ रहा है। बाकी क्वालिटी आप लोगों को इसकी दिखी रही है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की फीमेल है। जर्मन शेफर्ड एक बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है और ये वर्ल्ड डॉग रैंकिंग में 3rd नंबर पर आती है। और इसके बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इतने फेमस हैं। तो सबसे पहले कि ये अपनी फैमिली और ओनर के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हैं। जर्मन शेफर्ड अपने ओनर के फेस एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं कि इन्हें किसी चीज से खतरा है या नहीं। अगर इन्हें ऐसा कुछ भी फील हुआ तो ये सामने वाले के ऊपर अटैक कर देते हैं, चाहे फिर वो कोई इंसान हो या फिर कोई एनिमल। और सेकंड थिंग, जर्मन शेफर्ड बहुत ही अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं। ये किसी भी कीमत पे आपके घर और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, जर्मन शेफर्ड बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर इनकी ट्रेनिंग को लेकर बात करें तो आप लोग इन्हें इजिली किसी भी चीज के लिए ट्रेन कर सकते हो। और गाइस, ओनर इस चीज की गारंटी लेता है कि इसकी प्योरिटी को लेकर आप लोगों को कोई भी इशू नहीं आएगा। बट फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है और ओनर से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग किसी भी टाइम उन्हें फोन कर सकते हैं। जर्मन शेफर्ड में आप लोगों को हर एक वो क्वालिटीज मिल जाएंगी जो एक परफेक्ट गार्ड डॉग में होनी चाहिए। जर्मन शेफर्ड को फर्स्ट टाइम ओनर्स भी बहुत ही आराम से रख सकते हैं, पर इन्हें अच्छे से सोशलाइज जरूर करें ह्यूमंस के साथ और दूसरे एनिमल्स के साथ भी। और इनका एनर्जी लेवल भी काफी हाई होता है, तो इन्हें फिजिकली एक्सरसाइज और हर रोज एक लंबी वॉक पर जरूर लेके जाएं। और दोस्तों, जर्मन शेफर्ड को आप लोग छोटे बच्चों के साथ भी आराम से रख सकते हैं, ये उनके लिए बहुत ही केयरिंग होते हैं। और अगर आप में से कोई भी इस फीमेल को परचेज करने जाता है तो साथ में इसकी वैक्सीनेशन के बारे में भी जरूर पता करें। मुझे इसके बारे में कंफर्म नहीं है क्योंकि वैक्सीनेशन हर एक डॉग्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ताकि आप लोगों के पपीज हमेशा हेल्दी और एक्टिव बने रहें। और गाइज, अगर आप लोग जर्मन शेफर्ड के अलावा और किसी भी डॉग ब्रीड के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकन पे प्रेस करके उसे ऑल पर करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो आइए अब बात करते हैं इसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में, इसकी एज, प्राइस और लोकेशन। जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एक फीमेल है और इसकी जो एज है वो 50 डेज ओल्ड है। और अगर इसकी लोकेशन के बारे में बात करें तो इसकी जो लोकेशन है वो है करनाल, हरियाणा से। गाइज, अगर आप लोग आसपास से कहीं से ही बिलोंग करते हैं तो डायरेक्ट जाकर इसे परचेज कर सकते हैं क्योंकि आप सभी को अच्छे से पता होगा कि लॉकडाउन में डिलीवरी करना पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, फाइनली अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए। तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी आप लोगों को इसका प्राइस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे लिखकर जरूर बताएं। सो गाइस, अगर आप लोगों के पास भी कोई डॉग है, आप लोग उसे सेल या फ्री में अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अपने डॉग्स की वीडियोस और उसकी बाकी की इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड बाय बाय।